नमस्कार। नुआ सकाळ रे सबु चासी भाई भोनी मानकु अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करूछि। अति पुरातन कालरु मांडिया गां गहळी तथा पर्वतांचल लोकमानकर एक प्रिय खाद्य रूपे परिचित। खाद्य सार रे भरपूर एहा एक उपादेय शस्य, तेणु गुणात्मक मान दृष्टि रु धान मक्का और गहम ठारु मांडिया सबु दिगरु उन्नत। एणु एहा शिशु गर्भवती महिला मानकु दिया जाए। मांडिया एक ग्रीष्ममंडलीय फसल हेले मध्ये वर्ष सारा चाष करा जाई पारिबो। आज आसंतु जानिबा भीएल मांडुआ 332 किसम रो मांडिया चाष विषय रे। एनएफएसएम तरफ रु मांडिया आमर ब्लॉक को 100 हेक्टर आसला से मत 35 हेक्टर आम सार देखते मांडिया करने इच्छा करते मांडिया बिहन हेक्टर को 10 केजी हिसाब से मांडुआ भेरटटा दिहला से आकर को 4 केजी हिसाब से हेक्टर को 10 केजी भाव में मुझे 35 हेक्टर करोर हूँ 35 हेक्टर को 62 जन बेनिफिशियरी अच्छा एठे लेडीज आ जेन्ट्स मिसेक तली पकेले तली पकेला सीआर रे तली रोई रोलापर एम आजेस पेलम आएसबी लिक्विडटा हेक्टर को 10 लिटर हिसाब से दिहि आइकल विडर हेक्टर को गोटर को गोटे विडर हिसाब से आम 35 हेक्टर को 35टा दिखाई एति चाषी मानक जिते गाँव में पहुँचली से मैंने 2 वर्ष तलू ना से निजे निज निजर लोकाल बिहन टाक कर चलते मुझे एनएफएसएम तरफ मांडुआ बिहन टा दे मांडुआ बिहन से मो आगे तली पकई थे तली गोटे 21 दिन है से धाड़ी रोईवाई मुझे कही धाड़ी रही कारण हूँ यार हूँ घास समस्या बहुत मांडिया बिहन में से आम सरकार तरफ साइकल विडर दिखाई से धाड़ी रही फल सहजे आम साइकिलिंग करी घासटा को डैमेज कर परिबा आपण देखुथिबे त एबे थप आसिलानी आउ सेमाने ए थप जाको देखिकरी ए खुशी अछन्ति जे सेमानकर लोकल भेरायटी रे एते बडिया थप आसनाथला कि आदाय करनथिले भरणा को गोटे बस्ता डेढ़ बस्ता एमती आसुथिला आमर त अधिक आसिया बोली सेमाने एबे उत्साहित अछन्ति। आगुरु देसी मांडिया करथुलु से मांडिया रे किछि लाभ नाही आउ कोन से अमल पाइपालु नाही आउ एणु विस्ताप होई आउ मांडिया चाष करिबा नाही बोली मन बदली जाइथिला किंतु एबे आउ मांडिया कलु एबे मांडिया धूप देखि बहुत खुशी होउछु आमे मांडिया किछिटा फायदा मिलिबो बोली आमे आशा करुछु। आउ आम झरण गाँवर आगर मांडिया चाष करथिलु किंतु एतटा अमल अमल पाई पारनथिलु किंतु से आसिकरी आमको मांडिया बेवन देइथिले से बेवन पकेइकरी आमे बर्तमान मांडिया चाष करछु जे मांडिया चाष कलु गोटे प्रकार ए वर्ष मांडिया होइछि आदायटा किंतु जना पड़े जना पड़ तो यहाँ प्रथमटा ए वर्ष अमल केमती आसो आम जानवु। यही सान कमिटी ब्लक आमर चाषी मैंने साधारणत क्षुद्र शस्य हिसाब से मांडिया बा रागी चाष करथेंति किंतु से मैंने पारंपरिक पद्धति चाष करथेंति से जहाँ आदाय मिलता है किछिटा गुजराण मिलती थाए किंतु जेहेतु रागीर मांडियार बहुत मानने पोषण तत्व अच्छी जोटा कि समस्त मानने विभिन्न प्रकार रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े थाए से मांडिया चाष उपर गुरुत्व दि जाऊँगी से आमर नुआ बिहन गोटे भीएल मांडुआ 352 जोटा कि चाष कराई 100 हेक्टर जमीन एवं एथरु से झरण गाँव में 35 हेक्टर जमी में पखापाखि 97 जन चाषी चाष कर धाड़ी एगुड़ाक रोई मांडिया कोई पद्धति अपणवा दिखाई जमी साइकल विडर गोटे नुआ टाइप रोटा कि मानने घास बछार लोक साय कर घास सुविधा बाछी पार एवं अन्न्य जैव सार प्रयोग पद्धति अपणवा दिखाई से पद्धति से मांडिया हेक्टर पिछा 10 केजी हिसाब से जैविक सार हेक्टर पिछा 10 लिटर हिसाब से दि जाइए जोटा कि प्रयोग कर मांडिया मानने केंडा धीरे धीरे बाहर से लोक मैंने देखिकी खुशी हेले कारण केंडार आकार पुराणा पद्धति जो देशी मांडिया करुले निश्चय भल हो दाना भल हम बोली आशा करते गुजराण मेटा संगे संगे से स्वावलम्बी हो पारे और किसी पैसा कमे आशा कर जितियों खाद्य निरापत्ता मिशन मध्यम आमर चलित बर्ष कृषि विभाग तरफ सानेखमुंड ब्लक
आमर 100 हेक्टर मांडिया चाष क्षेत्र प्रदर्शन भाव हाथ को निया जाइथिला जो प्रोग्राम मध्यम आम चाषी मानू मांडिया बिहन मगणारे जगे देथिलु 7 kg 500 हिसाब रे एहा सहित आम से मानू साइकल विडर बायो फर्टिलाइजर आम मगणारे जगे देछु एही प्रोग्राम माध्यम रे चाषी मानू आम उत्साहित करिछु कि जो मांडिया चाष से माने पूर्व पीढ़ी कर पारंपरिक पद्धति छाड़ी से माने धाड़ी रे एही मांडिया क्षेत्र प्रदर्शन करने से आम प्रोत्साहित प्रोत्साहन देचु एवं प्रोत्साहन राशि से दिजाव से शिखेचु आम धाड़ी रोबार मूल कारण हूँ कि मांडिया को जदि आम धाड़ी रोचे यह पूर्व आम जाचे कि धान क्षेत्र में आम धाड़ी रुवा को प्रोत्साहन दौचे तो से भाई मांडिया एक शस्यजात फसल आम से ही फसल जदि आम धाड़ी में रोचे प्रथमत गछ को गछ एवं धाड़ी की धाड़ी जो आमर दूरता रहा मध्यम आम चाष क्षेत्र में जो निजर इंटरकल्चराल अपरेसन जपरिक आमर घास उपाड़ा एवं सार परिचालना करवा यह सबू आम ठीक भाव कर द्वितीय जिनस हूँ धाड़ी रोबा द्वारा आमर गच्छ ठीक हृष्टपुष्ट हो बढ़े एवं जो गचर तार रोग पोकर लक्षण केतोटाए अच्छी से ब्लास्ट देखा जाए से ही सब रोग पोकर फसल को रक्षा करने आम धाड़ी रोबा को चाषी मानक उपदेश दौचु से शिखु तेणु धाड़ी रोबा द्वारा चाषी मान अमल ठीक हम गच्छ ठीक से बढ़ दूरता मेन्टेन करने द्वारा से मानकर खाद्य ग्रहण शक्ति गछर बढ़ जहाद्वारा कि ठीक अमल पाइपर काजु बादाम एक लाभजनक फसल ओडिशार सबु जिले में यह चाष कर समुद्र पतन ठारु आरंभ कर 400 मीटर उच्चता पर्यंत सबु स्थान रे काजु चाष हो पारुछि उर्वर जमी ठारु आरंभ कर अनुर्वर पहाड़िया जमी में लग जापर काजु फसल रे विभिन्न प्रकार कीट देखा जाए एक पोक है कांडविंधा पोक यह कीट कांड रे छिद्र करी भितरे प्रवेश करे छिद्ररु अठा द्रवण बाहरे डाळटी हळदिया पड़ी सुखी जाए एही कांडविंधा पोकर निराकरण किपरि करा जाए सेही विषय रे अवसर प्राप्त सीमांचल पटनायक कोन कहउचंती आसंतु जानिबा काजुकाली होची सब गुडो बड़ अर्थकारी फसल आपण मैंने जानते जे काजू के जी हूँ बजार बर्तमान 800 टंका एवं गोटे गच्छ जदि भल गई भल फूल फल लगे तेल आम गोटे गचर प्राय 16 kg 20 kg पर्यंत आम काजू पाऊ ए गोटे कांडविंधा पोक लगुच जोड़े स्टेम बोलर बोली कहते सही कौन कर गचर भितर पशिकी कणा करमर जो खाद्य नली अच्छी फ्लोएम जाइलेम से खाद्य नलीटा को खाईदे आस्ते आस्ते खाइए तल आड़ खाई खाई उपर को सीधा जीवे जिते खाद्य मिलवनी गच्छ को कहीं जो सार पकाचे खत पकाचे आम विभिन्न प्रकार अर्गानिक मैटर पकाचे जेकोसी खाद्य सार पकाचे सी उपरको आज नहीं पारे कहीं से खाईदे तेल गचटा आस्ते आस्ते सुखिज सुखि जा आस्ते आस्ते गचटा मरी मरी मर उपर आड़ मरी मरी आसिक शेष पर्यटन मूल मूलटाज मरीज कहीं बिना खाद्य आम जो मनुष्य को खाद्य न मिल मनुष्य कौन हुए आस्ते आस्ते रोग आक्रांत हो मरी जाती से गचटी गचर जीवन अच्छी से गचर आस्ते आस्ते मरीज पूर्णांग पोकटी गाढ़ बादामी रंग 25-40 mm लंबा और यार राति सक्रिय अटे अंडार सुक पोक बाहरी गचर चकला को कणा कर पशे एवं उपरधि चर्मी को ऊर्धवाही भितर को अनियमित भाव सुडुंग बकलर भितर गुड़िक क्षत होगा द्वारा सीठा निर्गत हुए जहाँकि कालक्रमे कठिन हो जाए ऊर्धवाही उती गुड़िक नष्ट होगा द्वारा गच्छ मदरे खाद्य रस पर बाधाप्राप्त हुए फल पत्र हलदिया झड़ी पड़े आक्रांत अतिक्रांत अवस्था गचर डाल सुखी जाए और गचटी मरी जाए जेते बेले गचर बकला पचा
प्रतिशत गोलई मूल अंचल नष्ट हो जाए से गछ मार अवस्था को चली आसे गोटे सुख तार जीवन काल में गोटे दुई वर्ष गछ को मारिदेई पारे एवं गोटे आक्रांत गछ दुई रु तीन वर्ष मरी जाए तीन वर्ष ऊर्ध लंका आंब गछर ए पोक आक्रमण पर उपयोगी परंतु पुराणा और अवहेलित लंका आंब बगिचार यार आक्रांत अत्यधिक देखा जाए एक पोकर नियंत्रण उपाय गुड़िक है अति मात्रा आक्रांत और मला गछ गुड़िक मौसुमी वर्षा पूर्व और उपाड़ी फोपाड़ी दबा उचित अधिक अमलक्षम गछ गुड़िकर अमल समय प्रतिमास अंडा और शुक्र सर्वेक्षण करने उचित पोक आक्रमण प्रारंभ में आक्रांत गछ को जांत्रिक उपाय अप्राप्त वयस्क शुष्क पोक गुड़िक काढ़ी मारिदे आवश्यक जो कणा देखिए देखिए अनुमान देखो चारिपटे आड़ गछ खोज देखिए से कणाटा भितर प्रथम निम तेल पकातु निम पीड़िया पकातु पकईकर रखु संसर्शन आसिक केत मरिए कितु बर्तमान कौन हो गए रासायनिक औषध बाहर जोड़ा कि आम कहे सेलफस सेलफसटा कौन ना से गोटे ग्यास बाहर सेलफस पैकेट आप देखते हैं 15 टकर बर्तमान बजार बिक्री होती गोटे उपरूटा काटिदेवे काटिदेकर से भितर पूरेदेवे से सान सान पैकेट जाक थी गोटे पैकेट ताको गोटे गोटे गच पिछा दुई रु तीन पकईदे पकईदेक आपणकर काद नेसीदेवे काद नेसी दे कौन हम ताे तारी बांश थी से सीमेंट मिसाइदेव कहीं बर्षा हेल्ला धोकर पड़े तेणु से जो ग्यासटा भितर रे ग्यास संस्पर्श आसिक से ग्यास गचर उपर अंश पर्यटन जीव जोटी पवन देखिए सी भितर अच्छे से अंश पर्यटन जीव संस्पर्श आसिक मरीजे तेणुक तीन टी लाख आप सेल्फस यूज व्यवहार करंतु अथवा लंका आंब गछ को कांट छाट कर तार कांड और शाखा को भूमि ठारु 0.75 रु 1 मीटर उपरे बढ़िबा को देले सहजरे पोक आक्रमण करि पारंती नाही प्रतिषेध चिकित्सा भावे वर्षको दुई थर गच्छर गंडे को भूमि पतन ठारु 1 मीटर उच्चता पर्यंत 2% कार्बोलाइल द्रवण बा अल्कला तार और किरोसिन 1.2 द्रवण बा निंब तेल 5% प्रलेप दिया जाई पारे एहा द्वारा पोकर अंडा देबा को रोका जाई पारिबो फुलकोबी और बंधाकोबी चाष आम राज्य में बहु भाव में करे तेरे आगुआ बाहर फुलकोबी दर बजार टिके अधिक रहे तेणु चाषी मैंने जुलाई मास शेष बेलू एगुड़िकर चाषपाई अंटा भिड़ती किंतु चलित बर्ष पापागर अनियमितता जो पनीपरिया चाषर टिके डेरी हो सहित राज्य में बहुत चाषी अच्छा जो मैंने कोबीगुड़िकर चारा उतार भल भाव जानती ना फल समय देखा जाए चाषी मैंने उपयुक्त लाभ पाइबार वंचित हूँ यही परिप्रेक्षी आग को लगवाक जा फुलकोबी चारा उत्पादन विषय आसतु जाणी आमर यह प्रस्तुति षोहल किसमर फुलकोबीर चारा उत्पादन प्रणाली जो षोहल किसम कथा पड़ी आम ये षोह किसमटा कहीं चाषी मैंने जाणी दरकार चाषी मैंने जेनेली जदि एली भेरिटी षोह किसम करा शीघ्र जिते बजार आसो सेट अधिका रोक किंतु जनरली चाषी जिते धर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर रे तार फुलकोबी बाहर कर से समय रे जिते समस्ते बाहर करते आपंकर रेट कम रहा तेणु चाषी भाई मानक मुझे प्रोग्राम मध्यम कहवाई चाहूँगी सब वाले एली भेरिटी हो कि आपंकर लेट भेरिटी हो टाइम को लेकिन मार्केट प्राइस को लेकिन से तले पकेबा दरकार फुलकोबी सहल किसम 60-75 दिन पुषा आली सिंथेटिक कार्तिका आली कुआरी पुषा दीपाड़ी शंकर किसम श्वेता पुष्पगिरी तुषार गुडमैन बिहन परिमाण एकर प्रति सहल किसम 200-300 ग्राम मंजी दरकार तेणु आम मंजी विशोधन करवा दरकार मंजी विशोधन बहुत प्रकार केमिकल मिलूँ जो थे आप देखिए भाइटावैक्स पावर आसूँ कैप्टन आसूँ कि बाभिस्टिन आसूँ जेकेस्टिन आसूँ धानोस्टिन भी आसूँ जेनाली कार्बेडेजुअल पाउडर जोटा कि आप जेको जगह मिल पार से 2 ग्राम गोटे के जी मंजी में आम गोल गोटे टीण डा भितर भले कि गोल गोल मंजी विशोधन हो जापर
बा कैप्टाप ना आसूँ चाषी मैंने सब जगह पाइपर ये कैप्टान को लेकिन मंजी विशोधन कले जेनेली बहुत प्रकार रोग कम ये जो टनेल कले स्ट्रक्चर आम कले ताधे आपणकर मटीटा को 15 सेंटीमीटर हाइट करवा दरकार ये जो मटी 15 सेंटीमीटर जो हाइट करुचे आम बाहर मटी जो आनवा दरकार जीतीकि आम मटी आने सपोज आमर से नर्सरी करवाई आपर दरकार हो 10 टोके मटी दरकार होमें ताधे 10 टोके गोबर खत आपर 2 टोके नई बा मिसेवा ये जो मिक्सचरटा को ना 10 टोके मटी 10 टोके आप गोबर खत आई टोके आप नई बाकी आम आप 15 सेंटीमीटर बेड गोटे पल्ली हाउस भितर हो कि आपंकर लो टनेल स्ट्रक्चर भितर हो सेटा को स्वल्प जोटाक खर्च भितर हो पारे ताधे आम गोटे बेड या आउ किंतु चासी जो तली करूची चासी से देखा दरकार से जगह आगुरी से जदि कोबी चारा पकेची किंबा मेन कोबी क्रॉप करीथिला फुलकोबी करीथिला टिके अधिका कॉन्शियस होवा पड़ो जोटा कि माटीर को विशोधन करने पड़ो जदि नुआ करूची जेनेली माटी विशोधन नकली भी चलो किंतु जिते से जगह से कोबी आगुरु करूला माटी विशोधन करने पड़ो माटी विशोधन केमती करेंगे ना फॉर्मालिन रे आम कर फॉर्मालिन 40% फॉर्मालिन की गोटे स्क्वायर मीटर रे आम 5 लिटर आकार रे आपणकर गोटे स्क्वायर मीटर जो माटी नबा जो करें कि तलपटी ताको गोटे वर्ग मीटर प्रति 5 लिटर हिसाब से आम ढाला तापर गोटे पॉलीथिन है जोटा को आपर यूवी स्टेबलाइज्ड पॉलीथिन कहते कि नॉर्मल पॉलीथिन ने भी चलो ताको आम घोड़े रखा केते दिन रखा ना 7 रु 8 दिन घोड़े रखिकी तापर से मटीटा को लेकिन आम तलपटी जो बेड या आउ गोटे है कि आपंकर जो रासायनिक प्रमाण में आम जो विशोधन करुचे जो थे कि आपंकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है किंबा बाविस्टिन है कि जेकेस्टिन है कि धानोस्टिन है 2 रु 2.5 ग्राम गोटे लिटर पानी में नहीं वर्गमीटर प्रति 3 लिटर आकार स्प्रे करवा जोटा ड्रेनसींग कहते करपर से जो मटिके आम व्यवहार कर आ गोटे कथा हो कि जेनेली चाषी पाखे जदि पैसा ना चाषी कर किसी गोटे पॉलीथिन के नहींक से जो मटी आम नवा करने तलीपटी करवाई कि नवा साकु गोटे जगार गदा करके गोटे देवल भाया करवा आ पॉलीथिन टाक आम 45 दिन घोड़े रखा आ 45 दिन पर जो आपणकर बैक्टेरिया था किंबा आपणकर कवक जोटा आपणकर फंजाई था से गुड़ाक सब मरीजे तेणु मंजी ट्रिटमेंट सरलापर जो आपणकर रेज बेड आमर हो मंजी को मंजी आपणकर 3 सेंटीमीटर आउ लाइन की लाइन 5 सेंटीमीटर छाड़ी गोटे सेंटीमीटर गभीर में मंजी की पकेबा दरकार आ सब चाषी लाइन रे ही मंजी पकेबा दरकार मंजी आपणकर चाषी पकई सारा पर मंजी जो तलीपटी है तलीपटी को आपणकर जेकोसी सुखिला घास है किंवा छणपटी है छण ये घोड़ेबा दरकार आपको 3 रु 4 दिन घोड़ेबा दरकार घोड़े सारापर किसी पा देवाई पा छिंचे रोज कैन साहय किंबा जदि रोज कैन ना मानने अल्प पा से नर्सरी बेड उपर पकेबा दरकार आपणकर 6 दिन पर जोर जो आम छणटा को काढ़ीदे तापर मंजीर जो गजा होगा देखा जो गजा हो जाए गजा हो सारापर जेनेली मानने चाषी से समय कौन केयर नहीं कि कौन स्प्रे करते नहीं तेणु मुझे चाषी की कहवाप चाहूँगी जो आम एर्ली भेराइट करुचे जदि आमर तलीटा ठीक से हलानी तलीटा माड़ पाईला आमको समय मिलवानी 25 दिन फेर आम तल को पछक पल जो थे कि आमर ठीक समय मेन क्रॉप बा फील्ड रे जो कोबी आम करेंटा हो पारे तेणु चाषी अंकुरदम पर मंजी गजा होगापर ठीक 5 रु 6 दिन भितर जो छोट छोट आपणकर गच हो समय आपणकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जोटा कि आपणकर धानुकम ना आसूँ किंबा क्यूरेक्स ना आसूँ ब्लेंड ना आसूँ नाकपर ना आसूँ ब्लाइटक्स ना भी आसूँ ताको 2 ग्राम रु 3 ग्राम गोटे लिटर पानी गोल आम स्प्रे करवा दरकार तली घेरारे आ जो स्प्रेटा आम करवा सब 15 दिन में जेहेतु आमको 25 रु 30 दिन भितर तली उपाड़ूचे तेणु आम 2 थर स्प्रे करवा दरकार यही 2 थर स्प्रे कलापर जेनेली कोबी चारे सबुठ मारात्मक रोग हूँ सिल्डिंग ब्लाइट बाणकर कोलार रट हो जो थे कि मंजी गचटा मूल रू भांगिज पड़ज फिल्ड उपर पड़ज मुझे कैप्टान स्प्रे करुचे किंबा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे करुचे यही समस्याटा होपर तली हम ना आउ गोटे कथा है कि तली जो आपर 15 रु 20 दिन है तली रे आमे जेकोसी आपणकर पानी रे द्रवीभूत होता सार जोटा को 19 19 19 किंबा 13 0 45
ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ଚାଷୀମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାର୍କେଟରେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା 1919ଟା ପଲିଫିଡ୍ ନାଁରେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ପ୍ରିକ୍ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ସମାଧାନ ନାଁରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିଫିଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରିକ୍ ହେଲା କି ସମାଧାନ ହେଲା, ତାକୁ 7 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ ଆମେ ମିଶାଇକି ତଳିରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ତଳିଟା ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାର ଯେଉଁ ପସିବିଲିଟି ଅଛି କମିଯିବ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସେ ଜୈବିକ ସାର ହିସାବରେ ନିମ୍ବ ତେଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ପୋକ ଲାଗେ, ତାଦ୍ଵାରା ଫସଲର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତାଦ୍ଵାରା ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ନିମ ଗଛର ତାକୁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପୋକ ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ନିମ ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଚେରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତା'ର କାଣ୍ଡର ଛାଲି, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପୋକମାନେ ନିମକୁ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିମର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମେ ସଫଳ ପାଇପାରିବା ନିମ ମଞ୍ଜିରୁ ତେଲ ବାହାର କରି ତେଲଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଖଦାଟା ରହୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିମ କେକ୍। ତା'ପରେ ଆସିଲା ପତ୍ର, ପତ୍ରରୁ ମୂଳ ପତ୍ରଟାକ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ପିତା ଥାଏ। ନିମର ରସ ଯେଉଁ ସେ ରସଟା ସବୁବେଳେ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଯେଉଁ ରସ ଅଛି ପିତା ଅଂଶଟା, ସେ ପିତା ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପେଟଟା ଫୁଲିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପେଟ ଫୁଲିକିରି ବଡ଼ ଆକାର ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ଆକାର ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି, ସେ ଶୁଖିକିରି ମରିଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ପୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୋକମାନେ ସେମାନେ ନପୁଂସକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନପୁଂସକ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ନିମ ଅଛି, ଏ ନିମକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ ଛାଲି ପ୍ରଥମ ରହିଲା। ନିମ ଛାଲି ହେଉଛି ଅତି ପିତା, ହେଲେ ନିମ ଛାଲି ବାହାର କରିବା, ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା, ଥିଲେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇକିରି ପୋଛ କରିବା। ପୋଛ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଅଂଶ ରହିଯାଇଥିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବା। ସିଝିଲେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ପିତା ଅଂଶ। ସେ ପିତା ପାଣି ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଲିଟର ପିତା ଅଂଶ ସହିତ ଆମେ 13-14 ଲିଟର ପାଣି ତାକୁ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଯେକୌଣସି ପୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ, ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ପତ୍ରଯାକ ଆମେ ଆହୁରି ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ହାତରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟିକେ ସିଝେଇଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ 2 ଦିନ ପୋଛ କରିଦେବା। ଯଦି ୟୁରିଆ ପିଡ଼ିଆ ଟିକେ ଅଛି, ୟୁରିଆ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରାୟ 10-15 ଗ୍ରାମ ତାରି ପକାଇଦେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ପଚିଯିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କରିକି ତାକୁ ହାତରେ ଚକଟିବା, ଛାଣିକିରି ଖଦା ବାହାର କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ରସଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର, ଯେଉଁଟାକି ଛାଲିଠାରୁ ଠିକ୍ କମ୍ ସେଥିରେ ପିତା ଅଂଶ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। 1 ଲିଟର ସିଝା ପାଣି ଯେଉଁ ରସରେ, ତା'ସେଥିରେ 13-14 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକି ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ତା'ପରେ ଆସିଲା ଫଳ, ନିମ ଫଳ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକିରି ମିଲ୍ରେ ତାକୁ ପେଡ଼ିକିରି ସେଥିରୁ ତେଲ କରାଯାଏ ଆଉ ଖଦା ରହିଯାଏ, ସେଟାକୁ ନିମ ପିଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ନିମ ପିଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମର ହେଲା, ଯେତେ ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରସଟାକୁ ବାହ କରିବା ସବୁବେଳେ ଆମେ ସିଞ୍ଚନ ତାକୁ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, କାହିଁକି ତ ପୋକମାନେ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ରାତିରେ। ବଜାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମଜିଲ, ମଲ୍ଟିନିମ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିମ ତେଲ ବାହାରୁଛି, ସେଥିରେ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ml ତାକୁ ପକାଇକିରି ଆମେ ସିଞ୍ଚନ ସବୁ ଉପରଓଳା କରିବା। ନିମର ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସବୁବେଳେ ଉପରଓଳା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋକ ଲାଗିଥିବ ଏସବୁ ଯାକ ସେ ପୋକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ନିମ ତେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିବେ। ମାଟିରେ ଯଦି 1 ଏକରରେ 5 kg ଆମେ ନିମ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇବା ତାହେଲେ ମାଟି ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡା ବା ପୋକ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଚାଷୀ ଯଦି ମାଟିକି ବିଶୋଧନ କରିବ, 1 ଏକରକୁ 5 kg ନିମ ପିଡ଼ିଆ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ପକାଇଦେବ ସାର ସହିତ ମିଶାଇକିରି, କିମ୍ବା ସିଏ ଯଦି ଫସଲ ଲଗାଇବାର ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ନିମର ଯେଉଁ ରସ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଯଦି ସିଞ୍ଚନ କରିବ ପ୍ରତି 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ।
ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4-5 ଆଉ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1800-4192-155। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।